गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हमारे ट्रेन के लिए। आई होप आप सब बड़े आओगे। आपको दिखाते हैं हमारी ट्रेनिंग कैसे हो रही है सवाई माधोपुर के अंदर सिविल डिफेंस की। तो दोस्तों, ये आग बुझाने वाली गाड़ी है। ये सभी भाई और बहनें यहाँ पे ट्रेनिंग लेने आए हुए, मैं भी आया हुआ हूँ। यहाँ से आग बुझाने के सामान निकलते और क्या निकलता है, सामान निकलता है, सामान मटेरियल, पानी निकलता है। पानी पानी से तो आग बुझती नहीं है। ये जो नॉर्मली अगर आप कहीं जाते हो और फायर स्टाफ के साथ काम कर रहे हो या फायर टेंडर कहीं पर आई है, जैसे आप सिविल डिफेंस में हो और कोई दुर्घटना हुई है उस जगह पे, आपको अगर बुलाया है, जैसे आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो उस जगह फायर की गाड़ी आई है, स्टाफ को आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस वक्त आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो स्टाफ की, उनकी ज़रूरत है ही, सक्शन हाउस टाइप जो है अलग अलग, उनके बारे में जानने की इतनी वो नीड भी नहीं। ये हो जाए, ये गाड़ी के पीछे पंप के वहाँ पर लगता है, इससे फायर का जो पॉइंट होता है वहाँ तक बिछाया जाता है और उसके बाद इसको ब्रांच बोलते हैं, ये इसके आगे लगती है। अब ये क्या है, मल्टीपल टाइप की होती हैं, इनको यूज़ करने के तरीके भी अलग अलग हैं, और मल्टीपल टाइप ये है कि इस एक ही ब्रांच से काम दे सकते थे, अलग अलग क्यों लिए, ये सवाल है किसी का, एक ब्रांच से काम चल सकता है अलग अलग क्यों लिए। सबसे पहले नॉर्मली जनरल जो सब जगह पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में जो यूज़ ली जाती है ये है जनरल ब्रांच, शॉर्ट ब्रांच भी इसी का नाम है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं। यहाँ से खुलती भी है, ये सभी फायर टेंडर में मिल जाएगी, जितने भी जगह हैं बड़ी बड़ी, जो भी जैसे इंडस्ट्री हैं या फिर कोई भी बड़ा मॉल है, बड़ा रेस्टोरेंट है, होटल है, उनमें भी ये सिस्टम लगे होते हैं, वहाँ पर भी आपको यही ब्रांच मिलेगी। ये शॉर्ट ब्रांच है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, डायरेक्ट जैसे ही आप पंप से या हाइड्रेंट से इसको होज पाइप को कनेक्ट करोगे तो सीधा इस पर नॉन कंट्रोल है, वहीं से कंट्रोल होगी, जो हाइड्रेंट है वहाँ से कंट्रोल करो। ब्रांच ठीक है, पेनेक्स ये फायरमैन एक्स है, फायरमैन का साथी होता है ये, हमेशा वैसे यहाँ लगी होती है यहाँ बेल्ट यूनिफॉर्म में, पर नॉर्मली गाड़ियों में होती है, सबके पास होती है ये। आपको जहाँ भी आप जाओगे, जैसे बड़ी बिल्डिंग है, एक ये मॉल है, बड़ी बिल्डिंग, जहाँ भी फायर इक्विपमेंट लगे हुए ना, ये आपको साथ में मिल जाएगी। वहाँ पर काम क्या आती है, जैसे कोई गेट है, गेट का लॉक नहीं खुला हुआ और उसके अंदर आग लगी और आपके पास कुछ भी नहीं, आप सीधे भाग के चले गए, आपका काम है, आप नागरिक सुरक्षा कर रहे हो तो आप तो जानते हो आपके आसपास आग लगी है, तो आपको ट्रेनिंग दी गई है आपको आग बुझानी। उस केस में क्या होता है, ये वहाँ पे या तो रक्षा मिलेगी, बड़े भवन जो होते हैं या फिर आपके साथ जैसे फायर गाड़ी आई है या फिर कोई, ये वहाँ से लेके अगर इलेक्ट्रिकल वायर की कोई सप्लाई है वहाँ पर, उसको हम इससे काट सकते हैं, इसके द्वारा काटा जा सकता है। इसको 20,000 वोल्टेज पे टेस्ट किया जाता है, वैसे तो हम इसको 33,000 तक यूज़ करते नहीं है, नॉर्मली 11,000 तक करते हैं, लेकिन 20,000 वोल्टेज पे टेस्ट किया जाता है इसका, तो इसमें करंट आने की कोई संभावना नहीं है, आता ही नहीं है किसी भी दफ़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा करंट होता नहीं है। और दूसरा काम ये होता है, जैसे लॉक है, कोई लॉक लग रहा है उसको तोड़ दिया, इसे तोड़ सकते हैं आसानी से, इसे तोड़ा जा सकता है। और भी कई चीज़ें हैं जैसे काटने हुआ, ठीक है, गेट लॉक नहीं है गेट के, आजकल वो न्यू पैटर्न वाले आ गए, दीवार में जो डायरेक्ट फिटेड है या फिर होटल के जो अलग अलग होते हैं, उन गेटों को तोड़ने के लिए भी काम में आती है, इससे कट सकता है आराम से, छेद हो जाएगा गेट में, फिर उसको आराम से, या तो अंदर से कुंडी लग रही है वो भी खोल सकते हैं, जैसे कोई गेट है उससे लॉक नहीं लग रहा, अंदर से कुंडी लग रही है, कोई अंदर आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ सब चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं ना, तो मान लो कोई आत्महत्या कर रहा है और आपको दिख रही है कहीं पर फायरमैन एक्स पड़ी, इसके थ्रू अपन तोड़ के और अंदर से कुंडी खोल सकते हैं, जैसे ग्लास है खिड़की का काम है, ये है फोक नोजल है, फोक ब्रांच, इसे क्रिएट क्यों करते हैं फोक, इसकी वजह ये है, जैसे हम कहीं पर आग बुझा रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री है,
बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर अंदर अगर आग हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। जैसे मान ले कहीं पर आग लगी हो जाए, गोदाम में आग लगेगी, और गोदाम में क्या पहले से आग लग रही है, आधे घंटे से ज़्यादा हो गए मान लीजिए, तो वहाँ पे क्या है हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब फायरमैन जो भी जाएगा, मान लो आप सूट पहन के जाते हैं तो भी गर्मी लगती है, तो सूट पहन के जाओगे तब भी गर्मी लगेगी। इस चीज़ से राहत दिलाने के लिए ये काम में आती है। इसको क्या है, दो यहाँ पे दो नोजल लगे हैं हमारे पास, ठीक है, दो हाइड्रेंट पॉइंट हैं, उनसे हम इसको कनेक्ट करें, एक से इसको कनेक्ट करके और उस जगह पे वहाँ पे हमें ना इसको इसको एक पकड़ेगा और दूसरे को क्या है इसे फोक के कोहरा क्रिएट हो जाएगा। फोक का मतलब कोहरा, तो कोहरे में क्या होती है ठंड फील होती है ना, वो जो हीट होती है उसको एब्जॉर्व करता है, शोषण कर लेता है उसका, ठीक है, उससे ठंड होगी तो दूसरा जो फायरमैन है वो जगह पर आग बुझा सकते हैं। ये एक मतलब एक तरीके से हथियार के रूप में भी काम में आती है। अब ये वाली जो है ना लंदन बट, ये होती है मल्टीपल यूज के लिए। अब इसमें क्या है, बहुत सिंपल शॉर्ट ब्रांच थी, उसमें कोई हैंड कंट्रोल नहीं था, हम बंद भी नहीं कर सकते उसको, इसको हम कम ज़्यादा बंद सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, ये उसकी तरह ही है। लेकिन इसमें ये क्या होता है, एक तो जेट होता है, उसमें सीधा जेट निकलेगा, जेट मतलब धारा, जेट का मतलब होता है धारा जो सीधी धारा के रूप में देगा। दूसरा ये होता है कि जैसे इसको घुमाएंगे तो ये जेट के साथ स्प्रे भी देगा, ठीक है, स्प्रे देगा जिससे एक एरिया बनाओगे बनाएगा इसके सराउंडिंग में। फिर क्या होगा, जैसे एक जेट जा रही है, दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं, इसके तीन काम एक साथ भी चले जाएंगे। मल बना मतलब सर राम टाइम लगाओ लेने उस पाइप में लगाऊंगा, उस पाइप में कहाँ कहाँ तो उस पाइप में मैंने एक बार भी आदमी तो कलर सिरे में पकड़ा तेरे पानी उठा के सर नहीं मंगवाई है डिलीवरी हो जाए। और इसमें दो कपलिंग लगी होती है, इसमें दो कपलिंग लगी होती है, एक होती मेल और एक फीमेल। फीमेल में दो लंग्स लगे होते हैं और मेल में कोई लंग्स नहीं है, लंग्स वो साइड में लगे होते हैं, ठीक, तो वो फीमेल रहेगी आगे और ये मेल इसमें लगेगी, ठीक। इसको कनेक्ट करने का तरीका ये जो लक्स लगे हुए ना साइड में वो सिंगली उसमें जो फीमेल है, अरे सुन लो यार चलो यार मोड़ आग आग बुझाने का पाइप तो था। नहीं
तो दोस्तों ये आग बुझाने की पाइप है दोस्तों, देखिए जैसे बुझती है आग, ये आग बुझाने का पाइप है, ये मशीन है इधर। ये आग बुझाने का देगी दोस्तों प्रेशर। आग बुझ चुकी है अभी। हाँ तो दोस्तों ये गाठी लगाने सीख रहे हैं सभी, वीडियो बना ले। अब ये क्या है, इसको अपन साइज के अनुसार इसको और छोटा कर दे, फिर इस आदमी को है ना तो बैठ जाने ऐसे होएगा वो आदमी तो दोस्तों हमारा ट्रेनिंग का टाइम खत्म हो गया, अब हम जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने। ओके बाय, टेक केयर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।